अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी बहुत मजेदार रेसिपी है चिकन रोस्ट की। बगैर ओवन के स्टीम रोस्ट हम बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। मैंने 2.5-3 किलो ये चिकन के पीस ले लिए हैं, बड़े साइज में लिए हैं मैंने ये। इसको हम कट लगाएंगे। अब हम पीछे से भी लगाएंगे। ये सारे इसी तरह हम इसमें कट लगा लेंगे। ये देखें, इनको सबको मैंने कट लगा लिया है। इसी तरह आप भी कट लगा लीजिएगा। और इसके मैं अब आपको मसाले बताती हूँ। स्टीम रोस्ट के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो रहने दें आप। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च लिए। 2 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है। और 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर लिया है। नमक आप अपने हिसाब से ले लें। मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया है। और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। आधी प्याली दही की है। और 4 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है। तो इन सबको हम मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम ये दही मिक्स करेंगे। और ये मसाले जो मैंने आपको बताए थे सारे, ये सब इसमें डाल देंगे। सिरका डालेंगे इसमें। इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद एक एक पीस को अच्छी तरह हमने मसाला लगा के दूसरे बर्तन में हमने रखना है। ये मिक्स हो गया हमारा। इसको हमने अच्छी तरह मसाला लगाना है। अंदर तक लगा देना इसको मसाला। ये देखिए मसाला मैंने कितनी अच्छी तरीके से लगा लिया है। ये इस मसाला लगा के तो हम दूसरे बर्तन में रख देंगे। अब सारे पीस इसी तरह हमने एक साइड पे रख देने। ये देखें, सारे मसाला लगा दिए मैंने इसके अंदर। ये आखिरी पीस है। पीस आप छोटे लेना चाहें छोटे ले लें, बड़े लेना चाहें बड़े ले लें। और जो बचेगा मसाला वो भी इसमें हम डाल देंगे। इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर बाद में इसको हम रोस्ट करेंगे। चिकन को मैंने रख दिया था 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर। और अब इसको हम स्टीम रोस्ट कर लेते हैं। चले आइए स्टीम रोस्ट करते हैं। एक हमने बड़ा पतीला लेना है। इतना बड़ा पतीला लेना है कि इसमें सारे पीस आ जाएं। और हल्का सा ऑयल डालना है। छोटा कप आधा डाला मैंने इसमें। ये मैं पीस रखने लगी हूँ। ये सारे पीस मैं इसी तरह रख दूंगी। ये देखें, सारे पीस आ रहे हैं इसके अंदर। कोई भी जगह खाली नहीं। साइड मैंने चेंज कर दी है। इसको भी हम 10 मिनट 15 मिनट 10 से 15 मिनट पकाएंगे। स्टीम रोस्ट हमारा तैयार हो गया है। इसको हम कोयले का धुआं देंगे। बहुत मजेदार है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको 10 मिनट के लिए मैं दम दूंगी। 10 मिनट के लिए इसको मैंने कोयले का दम दिया था। देखिए कितना अच्छा जबरदस्त बना है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। स्टीम रोस्ट हमारा तैयार हो गया है। ग्रीन चटनी है, रायता है, सलाद है। इसके साथ आप खाएं चपाती के साथ, बहुत मजा आएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर दें। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।